छात्रों, कल हमने दादी माँ पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने यह जाना कि लेखक को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव है और दादी को भी लेखक से बहुत ज़्यादा लगाव है। जब लेखक शहर आ जाता है, तब एक दिन किशन भैया का पत्र आता है। पत्र को पढ़कर लेखक को पता चलता है कि दादी माँ का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास की बात पढ़कर लेखक के सामने दादी माँ द्वारा बिताए गए पल एक एक करके आँखों के सामने आने लगते हैं और वह अपने पूर्व स्मृति में खो जाता है। वह याद करता है किस प्रकार दादी ने, जब उसको बुखार हो गया था, उसकी सेवा की थी। दादी कैसे सभी लोगों का ध्यान रखती थी और जिसको ज़रूरत होती थी उसकी मदद करती थी। मुँह से चाहे कड़वा बोलती थी, लेकिन सबका ध्यान रखती थी। वह बहुत साहसी थी और धैर्यवान थी। जब दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, तब दादी माँ ने अपने कंगन देकर उन कर्जे को उतारने के लिए कहा, तो लेखक को ये सारी बातें याद आने लगती है। तो अब हम जो है पाठ के प्रश्नोत्तर पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। कि प्रश्न क्या है कि लेखक को जब पता चलता है कि उसकी दादी का स्वर्गवास हो गया है, तो उसे दादी माँ की याद तो आती ही है और उसके साथ में उसे क्या क्या बातें याद आती हैं। तो अब इसका उत्तर पढ़ेंगे हम। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ अपने बचपन के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, कि लेखक को दादी माँ की याद तो आती है, लेकिन साथ में ही बचपन के दिनों में जब लेखक छोटा था और गांव में था, तो बचपन के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना। जलाशयों का मतलब होता है तालाब, सरोवर में कूदना। जैसे गांव के और बच्चे कूदते थे, तो लेखक का भी मन करता था कि वह भी ऐसे ही कूदे। जब कूदने के बाद जलाशय में काफ़ी देर तक नहाने के बाद लेखक को बुखार हो गया, तो बुखार होने पर दादी माँ का रात दिन उसके सिराने बैठा रहना। उसे याद आता है कि जब दादी माँ को बुखार हो गया, जब लेखक को बुखार हो गया था, तो दादी माँ पूरी रात उसके सिराने बैठी रही थी और बार बार उसके माथे पर हाथ लगाकर देख रही थी कि बुखार कितना है। समय अनुसार उसे वैद्य जी द्वारा दी गई दवाई देना आदि बातें याद आने लगती है, कि जो वैद्य जी ने बुखार होने पर उसे दवाई दी थी, उसे भी दादी माँ समय पर देती थी। तो लेखक को ये बातें याद आने लगती है। क्या? गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बुखार होने पर दादी द्वारा की गई सेवा और समय के अनुसार वैद्य जी द्वारा दी गई दवाइयाँ देना आदि बातें याद आने लगती है। अब दूसरे प्रश्न पे आएंगे हम। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? आर्थिक स्थिति क्या होता है बेटे? आर्थिक स्थिति होती है पैसों की कमी होना। कि जब दादाजी थे, तब तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई पैसों की कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब दादाजी की मृत्यु हो गई, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? अब इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि लेखक के पिता ने उनके श्राद्ध पर काफ़ी धन खर्च कर दिया था। कि जब दादाजी की मृत्यु हो गई, तो लेखक के जो पिता थे, उन्होंने काफ़ी सारा
जो धन था, पैसा था, वह उनके श्राद्ध पर खर्च कर दिया। लेखक के पिता ने यह धन उधार लेकर खर्च किया था कि लेखक के पिता के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने लोगों से उधारी लिया। दादी ने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने लोगों से पैसा उधार लिया और फिर काफ़ी सारा धन दादा के श्राद्ध पर खर्च कर दिया। धोखेबाज और कपटी मित्रों ने स्थिति को और भी ख़राब कर दिया था। जो धोखेबाज मित्र थे, जो ऊपर से बहुत अच्छा बोलते थे और वे मतलब पीछे से बुराई करते थे, और धोखेबाज मतलब ऐसे लोग जो ये कहते थे कि तुम्हारे दादा ने हमसे पैसे लिए हैं, ऐसे लोगों ने और भी घर की आर्थिक स्थिति को ख़राब कर दिया था। ठीक है बेटे, इसका दो कारण हुए। नंबर वन, क्या लेखक के पिता ने दादा के श्राद्ध में बहुत सारा धन खर्च कर दिया था और वह भी उधार लेकर। दूसरा है, धोखेबाज और कपटी मित्रों ने स्थिति को और ख़राब कर दिया था। तो आपके ये दो प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर आएंगे हम। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कि दादी माँ का स्वभाव जो है वह मतलब अच्छा था, सबसे सबकी मदद करती थी, सबका ध्यान रखती थी, तो आपको उनमें से कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और क्यों? ठीक है, अब हम इसके उत्तर को देखेंगे। दादी के स्वभाव का वह पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है जिसमें वह दूसरों के प्रति सहयोगी है। प्रति मतलब होता है के लिए, दूसरों के लिए सहयोगी है, कि उनके उनका सहयोग करने वाली है, उनकी मदद करने वाली है। जैसे रामी की चाची है, उसे जब वो मतलब पैसा वापस नहीं देती तो वह उसको उल्टा दादी उसको बहुत फटकार लगाती है और कहती है कि अब क्या तेरे लिए दूसरी फसल कटेगी जिसमें तू पैसे देगी। और बाद में वही रामी की चाची का सारा जो वो होता है कर्ज होता है वह माफ़ कर देती है और उसे पैसे भी दे देती है, जिससे कि वह मतलब अपनी बेटी का विवाह कर सके। तो दादी के स्वभाव का वह पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है जिसमें वे दूसरों के प्रति सहयोगी है, नम्र और प्रेम पूर्वक व्यवहार रखती है, कि दूसरों से नम्र और प्रेम पूर्वक व्यवहार रखती है। वे बीमार के पास बैठकर उसकी पूरी देखभाल करती थी, कि जब लेखक छोटा था उसे बुखार हो गया तो वे पूरी रात बैठी रही। तो ऐसा मतलब ये वाला पक्ष भी हमें अच्छा लगता है। उसकी दवा का प्रबंध अपने ढंग से करती थी, मुँह से भली कड़वी बातें कहती थी, कि मुँह से बेशक वो बेकार मतलब कभी कभी कड़वी बातें कह देती जो दिल को चुभती थी, लेकिन वह दूसरों की आर्थिक मदद भी करती थी, जैसे उसने रामी की चाची धन्नों की थी। लेखक की दादी एक साहसी महिला थी, कि एक पक्ष में जो अच्छा लगता है वह यह भी हो सकता है कि वह एक साहसी महिला थी। कैसी थी? जब वह कर्जे की हालत में भी धैर्य नहीं खोती थी, जब मतलब ये जब लेखक के पापा के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं, उस समय भी जो दादी माँ होती है वह धैर्य रखती है और वह लेखक के पिता को अपना एक कंगन देती है और कहती है, लो शायद इसी समय के लिए तुम्हारे दादा ने इसे संभाल कर रखा था। ठीक है बेटे, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ कौन कौन सी बातें याद आती है, कि गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना और मतलब बुखार होने पर दादी द्वारा की गई सेवा, और समय अनुसार वैद्य द्वारा दी गई दवाइयाँ दादी द्वारा देना, ये बातें हमें याद आती हैं। फिर लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? क्योंकि जो लेखक के पिता थे उन्होंने दादाजी के श्राद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था और वह भी उधार लेकर, और जो धोखी वह कपटी मित्र थे उन्होंने स्थिति को और खराब कर दिया था। तो ये आपका है प्रश्न नंबर दो। फिर है, दादी के स्वभाव का कौन सा पक्ष अच्छा लगता है और क्यों? कि उनमें इतनी अच्छी बातें थी, आपको कौन सी अच्छी लगती है और क्यों? तो दादी के स्वभाव का वह पक्ष अच्छा लगता है जिसमें वह दूसरों के प्रति सहयोगी का मतलब होता है सहयोग देना, मदद करना,
नम्र मतलब अच्छे से बात करना और प्रेम पूर्वक व्यवहार रखती है। वे बीमार के पास पास बैठकर उसकी पूरी देखभाल करती थी कि वह सिर्फ ये नहीं कि जब लेखक बीमार हुआ था छोटा तो वह उसकी मदद की, बल्कि वो और भी गांव के जो लोग थे अगर वो बीमार होते थे तो वह उनकी भी मदद करती थी, उन्हें भी वो दवाइयों के नाम बताती थी। मुंह से भले ही कड़वी बातें कहती थी परंतु ज़रूरतमंदों की आर्थिक मदद करती थी। कि मुंह से बेशक वो कड़वी बातें कहती थी, जैसे रामी की चाची को उन्होंने बोला, लेकिन बाद में रामी की चाची का सारा जो वो था कर्ज था वो माफ़ कर दिया और पैसे भी दे दिए। तो ये बातें भी हमें अच्छी लगती है। लेखक की दादी एक साहसी महिला थी, मतलब वह साहसी थी, उन्होंने कभी भी अपना साहस नहीं खोया। वह धैर्य रखती थी कि जब लेखक के पिता ने धैर्य खो दिया उस समय भी उसकी जो दादी थी वह धैर्य उन्होंने धैर्य बनाए रखा और लेखक के पिता को कंगन देकर कहा कि जो भी कर्जा है वह उतार दो, तो अब आपको जो है वो ये तीनों पर्सन है वह समझ में आ गए होंगे।